Assalamualaikum and welcome to my channel with another video. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप इस वीडियो के टाइटल देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वीडियो किस पे होने वाली है, तो आइए अब आपको ले चलते हैं इस वीडियो के मेन करेक्टर की तरफ। भाई ये देखो, ये हमारी असील अब अंडों पे बैठी हुई है। तो हुआ दरअसल ये कि ये जो अंडे दे रही थी ना असील मुर्गी, तो मेरा ख्याल था कि अगर अब मुर्गा नहीं है इसके साथ तो हो सकता है ये अंडे थोड़े ज़्यादा दे दे, क्योंकि मुर्गे के होने की वजह से तो ये देती है ना ज़्यादा से ज़्यादा 11 या 12 अंडे। लेकिन मुझे लग रहा था कि अब ये गर्माइश की वजह से दे रही है, तो हो सकता है कि अंडे दे ही जाए, मतलब बाकी मुर्गियों वाला हिसाब हो इसमें। लेकिन नहीं, इसने भी 12 अंडे दिए, शायद 11 या 12, मैंने काउंट नहीं किए। और उसके बाद ये मुर्गी 7 पे बैठी। 7 होता है या फिर होता है ये कुड़ुक भी इसे कहते हैं, अंडों पे जो मुर्गी बैठ जाती है। तो अब ये अंडों पे बैठी हुई है फिलहाल। इसी यही वाली बास्केट उधर पिंजरे में पड़ी हुई थी इनके, तो इनके ऊपर बैठ जाती थी, बास्केट में बैठी रहती थी। एक दो दिन मुझे एहसास नहीं हुआ, मतलब नहीं पता चला ना कि कुड़ुक पे बैठी हुई है। मुझे लगा शायद वैसे ही बैठी हुई है, क्योंकि पहले भी बैठ जाया करती थी। तो जब पता चला, फिर मैं अब कहूँ यार के अंडे तो मेरे पास कोई फर्टाइल है ही नहीं ना, और दूसरी मुर्गियों के वो फीड भी होते हैं, इसी मुर्गी ने जो अंडे दिए वो भी फर्टाइल नहीं है। तो फिर अभी मेरी दोस्त से बात हुई, तो उससे मैंने अंडे लिए। अब इसके नीचे जो अंडे रखे हैं ना, वो हैं 6 असील के अंडे हैं, और 4 जो हैं वो ऑस्ट्रल और असील क्रॉस के अंडे हैं। तो अब देखते हैं, अब इनको इसको अंडों पे हमने बिठा दिया है, अब इंतज़ार रहेगा हमें 21 दिनों का, क्योंकि 21 दिन बाद अंडे अंडों में से बच्चे निकलेंगे, और फिर देखते हैं कि कितने अंडों में से बच्चे निकल पाते हैं और कितने अंडे ख़राब होते हैं। तो इनको इस मुर्गी को ना हमने दूसरे पिंजरे से अलग कर दिए। पहले हमने किया ये था, दरवाज़ा बंद कर देते हैं हम, ऐसी बाई मार लपक के आ रहे हैं ना। पहले हमने ना इसमें अंडे रख दिए थे, क्योंकि जगह खुली थी तो इसमें हमने अंडे रख दिए थे, और ना ये उठा के इधर ले गए थे वाशरूम में। तो मुर्गी की हमने कोशिश की कि ना इसको भी हमने वाशरूम में बंद कर दिया, लेकिन वो इस पर बैठी नहीं। फिर हमने ये ही उठा के पिंजरे में रख दिया। कर अब इनको फिलहाल बाहर छोड़ दें, ये भी घूम फिर लें, हम आपको फिर बाकी का बताते हैं। हाँ, तो फिर हमने इसको यहाँ पे रख दिया, तो इसमें से भी ना इसने एक अंडा गिरा के नीचे कर लिया और उस पर बैठ गई। और ये भी फ़ायदा नहीं था, क्योंकि एक अंडे पे बैठी रहने था, बाकी सारे फ्लॉप। इस वजह से हमने दोबारा वही बास्केट अंदर लेके आए, उसमें अंडे रखे, फिर मुर्गी उसके ऊपर बैठी। और फिर भाई आपको पता है आपके भाई का ना, फिर वो नहीं पकड़ता ना मुर्गियाँ इतना। फिर हमने रात होने का इंतज़ार किया, और फिर जब रात हुई तो मुर्गी को बास्केट समेत उठा के हम अंदर ले गए। अब ये है कि ये सारा कवर है, साइडों पे दीवार है, बस ये दरवाज़ा है, और रोशनी के लिए ये जाली है। मुर्गी यहीं पे रहेगी, सेफ रहेगी, और सर्दी भी नहीं रहेगी। बाकी अगर मज़ीद इसको गर्माइश की ज़रूरत हुई, तो यहाँ पे बल्ब का लगा हुआ है होल्डर, इसमें हम वो 100 वाट वाला बल्ब ला के ना लगा देंगे, वो जो पीला सा होता है, जिसकी वजह से ना इसे गर्माइश मिलती रहेगी। अब हम मुर्गी को थोड़ी देर के लिए उठाएंगे, इसको अपना पानी ला के डालते हैं, मतलब पानी रखते हैं कि वो पी ले, और एक बर्तन भी ला के रखते हैं जिसमें ना इसका खाना होगा, क्योंकि मुर्गी अभी यहीं पर रहेगी तो इसके खाने पीने का इंतज़ाम हमें यहीं पर करना पड़ेगा। अब इसका हमने खाना बनाने का इंतज़ाम कर दिया है, दाना वो पड़ा हुआ है, और पानी हमने यहाँ पे रख दिया, दाना इसके सामने रख दिया है, और थोड़ा सा यहाँ पे फैन भी दिया है कि ये खा ले। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रोशनी यहाँ पे काफ़ी है, एक तो यहाँ से आ रही है, दूसरा यहाँ से भी आ रही है, तो रोशनी सही है, उसका कोई मसला नहीं है। बस अब 21 दिन इसको यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद जैसे ही वो बच्चे निकलने शुरू हो गए तो निकाल लेंगे।
तब तक इसको बेचारी को यहीं पे रहना पड़ेगा। बाकी सही है यहाँ पे, तो रात का भी ना इसका कोई इंतजाम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कुछ कर देंगे कि यहाँ से हवा ना आए बाहर, अंदर ना आए हवा, और इसको भी कवर कर देंगे। इसकी तो खैर है, वो इसको ना रात को आके एक दफ़ा वो देखेंगे, दोपहर को भी एक दफ़ा चक्कर लगा लेंगे कि इसने कुछ खाया पिया कि नहीं,